जो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया तो एक नाम आपने पहले क्रिएट किया, हाँ. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक नाम जो कि मैं आज तक ना बोल नहीं पाती, हाँ. तो ये नाम नाम बेसिकली स्टार्टअप के आइडिया को जब आप बनाते हो, जब आपके दिमाग में कोई आइडिया रहता है तो सबसे पहले होता है कि जैसे घर में भी बच्चा पैदा होता है तो एक नामकरण संस्कार, उसका नाम सोचा जाता है. नाम सोचने से पहले कई सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स काम करते हैं कि ये इसकी ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसी रहेगी, जब आप इसका लोगो डिज़ाइन करोगे तो उसका लुक एंड फील कैसा आएगा, और साथ में कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए. ऐसे नाम्स थोड़े कम पॉपुलर होते हैं, ऐसे नेम्स जो कि जिनका कोई मीनिंग होता है, क्योंकि जब आप सर्च में जाते हो तो आपको रिलेटेड हज़ारों रिजल्ट्स दे देता है गूगल. लेकिन अगर कोई एक्सक्लूसिव नेम है तो वो सर्च रिजल्ट में सारा आप ही का आएगा. तो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि नाम आपको यूनिक रखना है. जैसे सपोज आप एग्जाम्पल लो गूगल, कोई मतलब नहीं होता. याहू क्या मतलब, कुछ भी नहीं होता. फेसबुक कोई मीनिंग नहीं, इसके अलावा गो आई बी वो कोई मीन्स नहीं. तो इनकी पॉपुलैरिटी के लिए इनको अपने आप को एक यूनिक नेम ऑप्ट करना होता है. तो यही थॉट के साथ मैंने एग्जैक्ट लिया. और इंस्पिरेशन मुझे मिली कि जो मैंने टूरिज्म जो मेरा डोमेन है जिसमें मैं काम करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे नए नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने कि राजस्थान स्टेट्स में टूरिज्म को बढ़ावा दूँ. तो उसके लिए मेरे को एक इंटरनेट पर अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, अच्छे सर्च रिजल्ट्स चाहिए गूगल के एंड पे, और मेरे को एक अच्छा एक उसका ब्रांडिंग चाहिए. तो एग्जैक्ट बेसिकली एक्सेप्शनल वर्ड से निकला है. हम टूरिज्म में कुछ ऑफ बीट टूरिज्म आप सर्व कर रहे हो, कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटी एक्सपीरियंस आप सर्व कर रहे हो, तो एग्जैक्ट मैंने वहीं से कट शॉर्ट करके. और आपका फिल्म मेकिंग में क्या सपोर्ट है? फिल्म मेकिंग में राजस्थान स्टेट की पॉलिसी है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि मैक्सिमम फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हो. उसके लिए हम लोग एक इंसेंटिव ऑफर करते हैं अप टू 2 CR और या फिर 15% विच एवर इज लोअर. और हम चाहते हैं कि अच्छी यहाँ पे शूटिंग्स हो. शूटिंग्स होने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्रमोट होती है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे जो कंसर्न जो लोग हैं जो उस, तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलता है, और जो कि एक इकोनॉमी डेवलप करने के लिए अच्छा थॉट है. टूरिज्म का बेसिकली जो पर्पज़ है वो अच्छी इकोनॉमी से भी रिलेटेड है. तो फिल्म मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हो. गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हमारे थ्रू लोग अवेल करें, और जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है इसका वो थोड़ा लंबा है, तो मैंने उसको बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी मैंने इसको थोड़ा कट शॉर्ट किया. अब सारे सॉल्यूशंस मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं. मतलब ऑलरेडी लोग पहुंचते ही हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू जाते ही हैं. क्या होता है कि आपको इस केस में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होती है. आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर आपका शूटिंग शेड्यूल है और आपको वहाँ की परमिशन चाहिए, तो देयर इज उसका एक प्रोसेस होता है. पहले आप फाइल सबमिट करते हो, फिर वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर वहाँ पे रेट्स डिसाइड होते हैं, क्योंकि हर मॉन्यूमेंट की एक फीस होती है, और कितने दिन का आपका शेड्यूल है. शेड्यूल्स जनरली ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये हमको चीज़ें अनसर्टेन होती हैं शूटिंग के लेके, तो पता बाद में चलता है कि हाँ यार 30 दिन और बढ़ाने पड़ेंगे कम, तो अकॉर्डिंगली परमिशन समय आगे से. तो एक प्रोसेस है, थोड़ा लंबा है, जनरली 3 to 6 months लग जाते हैं. मैंने उस प्रोसेस को ऑनलाइन करके उसको बिल्कुल कम कर दिया. तो अभी जो काम पहले 6 महीने में होता था वो 15 days में हम लोग केटर कर रहे हैं. और अगर सडन चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो यू आर देयर टू मैनेज. यस, वी आर देयर टू मैनेज. हम फैसिलिटेट करते हैं उनका अकोमोडेशंस, हम फैसिलिटेट करते हैं उनके फूड, उनके ट्रैवल डिपार्चर अराइवल डिपार्चर्स, जो भी ट्रैवल के जो बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारा हम उनको फैसिलिटेट करते हैं. अलॉन्ग विद हम उनको सारे परमिशंस भी निकाल के देते हैं, और PSL जो प्री सैंक्शन लेटर है सब्सिडी का, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं. उनकी फाइल मेकिंग में हेल्प करते हैं, साथ में ऑन ग्राउंड जो हमारी सर्विसेज हैं वो भी हम साथ में प्रोवाइड. जैसे अभी बड़ी ऑब्वियसली कि कोई अच्छी प्रोडक्शन हो वो हाँ. जाए, पर अब जैसे बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, छोटे छोटे ग्रुप एक रेडी हो गया है अपने शूट्स के लिए, तो आपको ये लगता है कि उनको भी हमें इनवाइट करना चाहिए कि दे शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस राजस्थान? ये पॉलिसी उनके लिए भी सेम अप्लाई होती है. कोई चाहे वो TV सीरियल हो या कोई मूवी हो, मूवी डोमेस्टिक इंटरनेशनल रीजनल कैसी भी मूवी, हमको उसमें कोई डिफरेंस नहीं करना होता, और या फिर कोई वेब सीरीज है, हमें सिर्फ 30 days का मिनिमम एक शूटिंग शेड्यूल चाहिए. एक कंडीशन है कि आप 20% क्रू आप राजस्थान से हायर करो, और लोकल अकोमोडेशन फूड तो आपको लेना ही लेना होता है. तो हमारे डेस्टिनेशन को डेवलप करने में या टूरिज्म की कोई एक्टिविटी को आगे हमको प्रमोट करने में हमें बहुत अच्छा सा मटेरियल मिलता है एक फिल्म शूटिंग के सपोर्ट से. तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हम लोग करवा पाएँ. आपकी शूटिंग जैसे पूरा आप लोग ने ऑर्गेनाइज में हेल्प किया, फूड आप पहुंचा रहे हैं, हाँ. उनको रुकने के लिए कर रहे हैं, पर देयर आर जो स्मॉल, मैंने जिसके लिए बोला कि बहुत स्मॉल बजट वाले हैं, हाँ. और उनको थोड़े से उसमें चीज़ों को ना डिज़ाइन करना है, हाउ दे कैन बी, मतलब वो पहुंचेंगे आपकी इंफॉर्मेशन तक में कैसे पहुंचेंगे कि हाँ यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प? इसके लिए हम लोग हाँ सारी मार्केटिंग टेक्निक्स
करते हैं, हमारे स्पेशल प्रपोजल्स ऑनलाइन हम लोग सभी जितने भी फिल्म मेकिंग कंपनीज है छोटे बड़े सबको भेजे हुए हैं और रेगुलर हम लोग भेजते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हम रेगुलर शूटिंग्स के रील्स वगैरह प्रमोट करते हैं, तो हम तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा भी आप सर्च करो शूटिंग्स इन राजस्थान तो हम सर्च रिजल्ट्स में आ जाते हैं और वहाँ से आप नंबर देके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको और चीपर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका कम बजट है या जिनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स की छोटी स्मॉल शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। हो गया है ना शॉर्ट, हाँ बहुत पॉपुलर है ओटीटी पे, उनकी उनकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी है शॉर्ट फिल्म्स की, क्योंकि उनमें एक मैसेज होता है एक देने के लिए कम्युनिटी को के लिए एक मैसेज होता है, तो हम लोग हम वो लोग भी आ सकते हैं राजस्थान में अपना शूटिंग्स बना कर सकते हैं। हाँ क्योंकि बड़ी प्रोडक्शन है तो उनका तो खुद के ही सारे इतने लोग होते हैं हाँ। और पर एक छोटी है कुछ ही लोगों का टीम लेकर बैठे हुए हैं, तो इफ दे कैन रीच तो बहुत अच्छा है ना, दे कैन थिंक ऑफ इट। जनरली ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है कि हर फैसिलिटी को फैसिलिटेट करने वाले एक अलग कंपनी होती है। जैसे अगर आप बात करो क्रू कास्टिंग की तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी है जो कि कास्टिंग करती है, डिजाइनर्स अलग होते हैं जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, सेट डिजाइन करने वाले लोग अलग होते हैं वो एक अलग कंपनी है। इसी तरीके से लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनीज हैं जो सजेस्ट करती हैं कि आपका ये स्क्रिप्ट है इस पे ये आप लोकेशन लो एज एन ऑप्शन। हम उनको कुछ एक चीज़ें बताते हैं, हरे हिस्टोरिकल शूट है तो हम लोग जयपुर सांभर जोधपुर रणथंभौर इस तरह से उनको देते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है रेगिस्तान से रिलेटेड है तो राजस्थान इज ओनली वन ऑप्शन इन इंडिया, और थोड़ा और नेचुरल चाहिए उनको या कोई नया सेट डिज़ाइन करना है तो ये सब चीज़ें में उनको स्पेस प्रोवाइड करा के देते हैं। अच्छा आपको कैसे अथॉरिटी मिली कि हाँ आप गवर्नमेंट की इस जॉब से मतलब इस पार्ट ऑफ वर्क से अलाइन हो पाए, क्योंकि कोई लाइसेंस इसमें इन्वॉल्व होगा? कंप्लाइंसेज आर देयर, हमें जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है वो सारे कराने पड़ते हैं। अथॉरिटी इन द सेंस गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है आपको अगर उसको प्रमोट करना है तो कोई सडन अथॉरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑथराइज्ड कि आप भामाशाह टेक्नो हब में बैठो, हम गवर्नमेंट से इंक्यूबेटेड है एंड वी आर फंडेड एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो अथॉरिटी और वी आर हमारे पास रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की स्कीम में, हमारे पास स्पेशल कोटा होता है कि 25% काम आप स्टार्टअप को दोगे, तो इस केस को हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है सारा काम करने में। गवर्नमेंट के जो बड़े सीनियर प्रोफेशनल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली इसको प्रमोट करो और हमारे हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अल्टीमेटली जो गोल है सबका एक ही है कि हम राजस्थान का टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है हाँ। अच्छा और एक थॉट होता है किसी का कि हाँ मुझे एक स्टार्टअप करना है जी, स्टार्टअप थॉट से क्या स्टार्टअप तैयार हो जाता है या उस पहले हमें एक अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए? डेफिनेटली तैयारी ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट इज़ स्टार्टअप, इसका डेफिनेशन अगर आप थोड़ा स्टडी करो, आप मार्केट में घूमते हो, आपके पास अपना एक प्रोफाइल होता है, आपकी एक एक्सेलेंस होती है, कोई एक काम होता है जो आप अच्छे से करना चाहते हो, तो उस काम से रिलेटेड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, फिर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी आप उसका एक सोल्यूशन देते हो, दिस इज़ स्टार्टअप। अब इसको हमें फिर इकोनॉमिक वायबल बनाना पड़ता है। हाँ, मतलब सस्टेन कैसे करेगा? जैसे सपोज मैं टूरिज्म का प्रोफाइल कैरी करता था हमेशा से, तो मैंने उसी से रिलेटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कोशिश की, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज स्टडी करना कोशिश की, और कोशिश ये की कि अभी तक राजस्थान में आने वाले लोगों को सिर्फ हेरिटेज दिखा के भेज दिया जाता है, कुछ नई चीज़ें उनको देते हैं। इंडिया में कितनी वर्सेटैलिटी है, यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर्स के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम फील करेंगे कि लोग दिखने में रंग रोगन शक्ल बदल जाता में, है पानी में, हर चीज़ में डिफरेंस है, फूड में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, और हर जगह अगर आप और ज़्यादा डीप में जाओ तो हर जगह रूरल स्पोर्ट्स अलग होता है, वहाँ का खान पान जो है, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग इनफैक्ट, वो उसके टेक्निक्स भी डिफरेंट है, तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया जा सकता है एज ए ट्रैवलर। और ट्रैवल करने के बाद ही हम लोग जो सबसे अच्छी लर्निंग है, क्योंकि ये मोस्ट एंशिएंट ह्यूमन बिहेवियर है। अभी तक अगर हम सिविलाइजेशन को स्टडी करें तो समझेंगे कि लोगों ने सबसे पहला ट्रैवल करके सीखना शुरू किया। जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो अपने ज़्यादा सीखते हो, जो भी आपका नेचर है। मेरा नेचर, मुझे वाइल्ड लाइफ की तरफ अगर मेरा इंक्लिनेशन है तो मैं सबसे ज़्यादा तभी सीखूंगा जब मैं ट्रैवल करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन को। बच्चों के लिए स्टडीज़ में भी ट्रैवल को इंक्लूड कोर्स करिकुलम इसीलिए किया जाता है कि ट्रैवल करके बच्चे सीखते हैं, आर्ट को सीखते हैं, कल्चर को सीखते हैं, अपने आपको वहाँ पे किसी एक अलग जगह रख के देखना बहुत ज़रूरी होता है, आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली आपको कंडीशन कर देता है। अच्छा आपने जैसे टूरिज्म पूरा सेट किया, इवन रूरल एरियाज़ में भी हाँ। आपने तो वहाँ पर कुछ लर्निंग देनी पड़ती होगी उन लोगों को? डेफिनेटली लर्निंग देनी पड़ती है, हमें हमारा ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हम लोग इको टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। इको टूरिज्म क्या होता है कि टूरिज्म के साथ साथ आपको किसी एक्टिविटी में भी इन्फ्यूज़ किया जाता है, आपको ये भी कहा जाता है कि ये लाइफ आप भी एक दिन जी के देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराने के लिए होस्ट
जो कि वहीं के लोकल लोग होते हैं, इसलिए हम उनको ट्रैवल कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। वो कोऑर्डिनेटर वेल ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग का हमारा सेपरेट डिपार्टमेंट है जो उनको ट्रेन करता है। उनको ये समझाया जाता है कि अच्छे से ग्रीट कैसे किया जाता है, हाइजीन कंफर्ट के पैरामीटर्स को आप कैसे सामने वाले को कितना अलाउ करते हो, और ये बेसिकली कुछ एक ध्यान में रखने वाली चीज़ें वो हमें सिखानी पड़ती हैं। उनको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे तभी। और लैंग्वेज, लैंग्वेज आजकल इंग्लिश इंडिया में कॉमन है और जो टूरिस्ट आते हैं वो सब इंग्लिश, तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलना भी एक फन है। हाँ, उन लोगों को समझाना अपने एक्सप्रेशन से, जेस्चर पोस्चर से आप सामने वाले को समझा तो देते हो, तो दिस इज ऑल्सो फन कि उन लोगों को सुन के मिलके नए नए लोगों से अच्छा लगता है, नमस्कार करना लोग सीख जाते हैं और वो सेम मैनर में रिस्पॉन्स भी करते हैं। लाइक फिल्म मेकिंग इज नाउ इट्स इन अ ट्रेंड, पर जो टूरिज्म गेटिंग टू द रूरल एरिया, वहाँ के लोकल कल्चर को समझने के लिए लोगों का तैयार होना करना, तो राजस्थान बहुत हॉट प्लेस है। तो ऐसे में आपको ये लगता है कि टूरिज्म इज ईजी? टूरिज्म इज ईजी क्योंकि सर्टेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस सर्विसेज को दे रहे हैं। आजकल छोटी छोटी जगह भी आपको वेंडर्स मिल जाएंगे जिनके पास एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी एक्सेस, उन तक एक्सेस कैसे हो वो, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलते नहीं है। हालांकि एयरबीएनबी भी MMT ने काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिया हुआ, लेकिन ये बड़े टूरिस्ट सर्किट के पास ही है। जैसे अगर आप जयपुर सर्च करो तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस जयपुर में मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी छोटे एरिया को सर्च करो तो वहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो ऐसे वेंडर्स को अब ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी, थोड़ा सा इनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आगे जाके कि हम कैसे टूरिज्म डेवलप करें। और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म से लोग हमसे आके कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे पास लिस्ट करें, हम आगे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि छोटे छोटे जगह पे रूरल एरियाज में भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब आप एक तरह से और भी वेंडर्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू योरसेल्फ हैज हैविंग द प्लेसेस, राइट? हमारे पास खुद के प्लेसेस नहीं होते हैं, छोटे वेंडर्स ही होते हैं। वेंडर्स ही हो, अच्छा, ओके, हम उनकी कम्युनिटी बनाते हैं। आपने उनकी कम्युनिटी बनाई और हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक सॉल्यूशन दिया कि आप आइए, अपने आप को यहाँ शोकेस कीजिए और यहाँ से आप बिजनेस। मतलब दोनों को ही सपोर्ट है, जो वेंडर्स जो रेडी हैं अपनी प्लेसेस को करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए रेडी हैं, और जो बाहर विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जयपुर के पास सांभर प्लेस है, वहाँ पे सॉल्ट लेक टूरिज्म है। हाँ। बहुत एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो वहाँ के कुछ वेंडर्स हैं जो उन्होंने वहाँ पे, वो जानते हैं अच्छे से प्लेसेस, उनको अच्छे से मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बर्ड वॉचर्स के लिए वो बिल्कुल पैराडाइज है वो जगह, वो उनके कुछ वेंडर्स को हमने हमारे साथ शामिल किया। ऐसे ही सेम मैनर में रणथंबोर से जो अलाइड एरियाज हैं चंबल रिवर के आसपास, वहाँ के भी कुछ वेंडर्स जो कि छोटे छोटे बोटिंग करके क्रोकोडाइल नेस्टिंग दिखाते हैं लोगों को। क्रोकोडाइल नेस्टिंग देखना लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कैसे आपको देख पाओगे कि क्रोकोडाइल के अंडे से बच्चा कैसे निकलता है, वो नेस्टिंग एक प्लेसेज है वहाँ पे, वो नेस्टिंग होती है, लोग दिखा रहे हैं और वहाँ पे अभी अच्छी टूरिस्ट मूवमेंट हम लोग करवा रहे हैं। सांभर की बात करें तो मुझे भी अपनी 20 ईयर्स बैक स्टोरी याद आ रही कि मैं अभी गई थी वहाँ पर, कि हाँ बर्ड पैराडाइज है और वहाँ पर हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, लेक भी रहा, सब कुछ रहा, पर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम देखने क्या आए। यू ऑलवेज नीड अ गाइड, आपको एक वेंडर चाहिए जो आपको बताए कि यहाँ पे ये चीज़, आप यहाँ क्यों आए हो, वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा, एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हमेशा लोकल कोऑर्डिनेटर की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका टूरिस्ट, आप एज अ गए भी और आपने इंजॉय भी नहीं किया, फन भी नहीं रहा। हमेशा का पैटर्न है कि हम कहीं जाते हैं तो देयर शुड ऑलवेज बी ए होस्ट जो आपको बताए कि यहाँ पे ऐसे रहना है, यहाँ पे खाने में ये चीज़ फेमस है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो देखी जा सकती है, कुछ हर जगह कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो उस खास बात को बताने के लिए एक अच्छा वेंडर या अच्छा ट्रैवल कोऑर्डिनेटर हमारे पास होता है, तो हम उनको वो बताते हैं। और सेम लोकेशंस पे हम लोग शूटिंग्स में भी प्रमोट करते हैं। अगर किसी फिल्म मेकिंग कंपनीज को वो लोकेशंस चाहिए तो अगेन वो वेंडर हेल्प करता है, बताता है कि लोकली कैसे चीज़ों को एक फ्रेम में बनाया जा सकता है। मतलब इट्स अ इकोसिस्टम, इट्स एन इकोसिस्टम। एंड सस्टेनेबिलिटी कितना, मतलब कैसे आपको लगता है कि हाँ अगर और भी लोग आए यहाँ पर, चैलेंजेस आपके लिए बढ़ गए? हम तो चाहेंगे, अभी हम लोगों ने वी आर जस्ट इन स्टार्टअप, हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, वी आर प्रमोटिंग इन सब चीज़ों को, हम लोग ऑनलाइन लेके आए हैं। चाहता हूँ कि कुछ नए चैलेंजेस आए, हमको आगे कुछ और एक्सप्लोर करने का चांस मिले, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड चैलेंजेस, ग्रोथ से रिलेटेड चैलेंजेस, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं एज एन स्टार्टअप कि हमें कुछ फंड्स मिले आगे, जिससे सपोर्ट से हम लोग काम करें। कंप्लायंसेस से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, हमें रेगुलर सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। तो बेसिक जो देखा जाए तो थ्योरेटिकल चैलेंजेस तो इतने ही हैं, फिर प्रैक्टिकल जब हम काम करने जाते हैं तब समझ में आता है कि आप राजस्थान में काम कर रहे हो, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, तो हमें उन सब के साथ मिलकर काम करना होता है।
और एंजल इन्वेस्टर, वो आपको ढूंढने में कितना दिक्कत आई? इनिशियली हम लोग गवर्नमेंट के फंड से हमारा इंक्यूबेशन हो जाता है. एंजल इन्वेस्टमेंट हम लोग तब कोशिश करते हैं जब कुछ एक आप MVP स्टेज पे आ जाते हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्टेज, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाइव हो चुका है. देन हम लोग कनेक्ट करने की अलग सेपरेट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं जो फैसिलिटेट करती हैं. हमारा डिपार्टमेंट आई स्टार्ट भी इसको फैसिलिटेट करता है. तो हम लोग अपना पिच डेक रेडी करके हम लोग डिफरेंट इवेंट्स जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करते हैं, अटेंड करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और कोशिश करते हैं फंड्स मिल जाए. तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज? इट्स रियली डिफिकल्ट. सब कुछ आपके बिजनेस आइडिया पे, आपकी टीम बिल्ड पे, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी कितना शो कर रही है, प्रोजेक्शंस कितने अच्छे आ रहे हैं आपके, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड. तभी कन्विंस हो, तभी कन्विंस हो पाता है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर के पास एक डिफरेंट आई होती है चीज़ों को देखने की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है. वो एक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो आपका आप में कितनी स्ट्रेंथ है और आपके आइडिया में कितनी स्ट्रेंथ है वो जानना चाहिए. हम लोग सारी चीज़ें दिखा के अच्छे से प्रोजेक्शंस बना के बस यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग कनेक्टेड हैं हमारे स्टार्टअप से, आप भी आइए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आप भी कनेक्ट हो जाइए, विल ग्रो टुगेदर. हाँ, ऑब्वियसली कि उनको भी मिलेगी अपॉर्चुनिटी की एज ए इन्वेस्टर, तो तभी कोई आगे बढ़ता है. और हम अगर ये बोलें कि आगे जैसे 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 क्लाइमेट में अफेक्ट पड़ रहा है, तो इज़ इट अ थ्रेट फॉर टूरिज्म और या आपके आइडियाज़ में? देखिए, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है. क्लाइमेट में इफेक्ट होगा तो सिर्फ टूरिज्म ही नहीं है, हमारी हमारी जो रूटीन लाइफ है ना वो भी इफेक्ट करेगी. तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग इसको बिगड़ना नहीं दें. और अगर आपकी आपका जो नेचर आपके सराउंडिंग है, आप उसको जितना ध्यान रखोगे उतना ही आपका बिजनेस, खासतौर पे टूरिज्म, तभी ग्रो करेगा जितनी हमने हमारे आसपास की चीज़ों की केयर करनी सीखी है. और थ्रेट्स और क्या आपको फील होते हैं? थ्रेट्स अभी फिलहाल हम लोग थ्रेट्स के बारे में ज़्यादा सोच के डरते नहीं हैं, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा आप थ्रेट भी सोच लेना है तो. लेकिन हाँ, कुछ हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम आ सकती है. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अपग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कर सकते हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए हमें पहले से प्लान बी सी सब रेडी रखना होता है. और अगर इन केस जैसे कोविड आया था, इस तरह की सिचुएशन होती तो हम लोग क्या और दे सकते हैं, तो हमें वो भी अभी सोचना पड़ रहा है कोविड के बाद से. तो इन सारे थ्रेट्स के बारे में हमने पहले से रखा हुआ है. मतलब सडन चेंजेस के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा. अगर नहीं तो क्योंकि राजस्थान बड़ी स्टेट है, हर जगह सेम तरीके से चीज़ें नहीं हर जगह, तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपको बैकअप देगी. अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इट बिकम्स जब आप लाइसेंस के बारे में बात करते हैं? कि लाइसेंस लेने के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? लाइसेंस लेना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. नहीं, अगर आप एलिजिबल हो तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, विल गेट लाइसेंस. मतलब अब हम ये माने कि बहुत सारे प्रोसेस बहुत इजी हो चुके हैं. बिल्कुल इजी है, आप करना चाहते हो तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, आपको कहीं भी या आज के टाइम में बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता. अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन एक बार फिर से आएगा इन द मिड, मैंने आपसे पूछा था, फिर से मैं ये पूछना चाहूँगी. जैसे अभी मैं आजकल यूथ को ये देख रही हूँ कि वी डोंट वांट टू गेट इनटू द जॉब्स, और वो सभी ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कुछ करें, कुछ बिजनेस करें. पर आइडिया, तो हाउ टू जनरेट द आइडिया? जैसे आपने ये बोला कि इफ़ यू आर स्पेशलाइज इन समथिंग, है ना, पर कुछ हैं क्योंकि आपने या तो स्टडी या डिग्री या उस तरह से ले रखा होगा कि कहीं स्पेशलाइजेशन है. यू आर राइट. आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ के काम आती है आपकी लर्निंग्स. आपकी लर्निंग्स रही हैं रिलेटेड तो आपका आइडिया अच्छा आ जाएगा दिमाग में. नहीं, जैसे अगर 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, सपोज उसने कोई भी सब्जेक्ट लिया जी, तो फिर तुरंत वो ग्रेजुएशन में जा रहा है. आजकल बिजनेस स्टडीज एकेडमिक्स का रोल देखें तो 25% है. ओके, लेकिन द कम्युनिटी वी बिलोंग टू, वहाँ से भी आइडियाज आ सकते हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें एक एक जनरल नॉलेज देता है, वो जनरल कि हमें सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप 12th से नीचे की एजुकेशन की बात करो, उसके बाद आप जाके किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाते हो, तो वहाँ पे आप जिस कम्युनिटी में रहते हो तो उस कम्युनिटी से आपको आइडिया मिलता है कि क्या प्रॉब्लम्स है जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और मेरे पास क्या खास इसके लिए जिससे मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा. मतलब बेसिकली मैं आसपास के एरिया को चेक करूँ और उसके अकॉर्डिंग कुछ आइडियाज जनरेट करूँ. हमें एज एन स्टार्टअप, एक जो इंसान का जो नेचर होता है ना, बिजनेस इंसान के नेचर में होता है, और उसी नेचर आपको बार बार वो अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, कुछ नया करने की कोशिश करो. तो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप नया, अगर आपका आइडिया नया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, और आपको आगे ग्रोथ करने के लिए तो हमारे कितने सारी सुविधाएँ भी मिल रही हैं आसपास.